संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीते रविवार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ केजरीवाल सरकार के पिछले कार्यकाल के सभी मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र पाल ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में ये आयोजित किया गया था और करीबन 40,000 लोग वहां पर मौजूद थे। इसी को लेकर आपको ये भी बता दें कि आपकी ओर से दिल्ली की जनता के बीच से 50 मुख्य अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया था। शपथ लेने के बाद कई नेताओं ने उन्हें फोन और सोशल मीडिया के जरिए बधाई और अच्छे कार्यकाल की शुभकामनाएं भी दी। यहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए उन्हें बधाई दी, लेकिन उनका ये ट्वीट उनके ऊपर किस तरीके से भारी पड़ा है ये आपको बताते हैं। जहां पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुद को अपने जाल में फंसाते हुए सामने आए हैं। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, मैं श्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई देता हूं। बेहतर कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उनकी चुटकी लेते हुए उन्होंने धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया और कहा, हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, काश आप आ पाते, लेकिन मैं समझता हूं कि आप वैसे थे। हमें अब दिल्ली को सभी भारतीयों के लिए गर्व का शहर बनाने की दिशा में मिलकर काम करना है। लगातार केजरीवाल पीएम नरेंद्र मोदी को यही कहते नजर आ रहे हैं कि मिलकर काम करना है, और यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का ना उपस्थित होना और दूसरी तरफ लगातार उनको आतंकवादी घोषित करना एक तरीके से उन्हीं को शर्मिंदगी महसूस करता हुआ दिखाई देता है। और केजरीवाल ने जिस अंदाज में तंज भरे लहजे में पीएम नरेंद्र मोदी से चुटकी ली है, ये भी साफ जाहिर होती है कि यहाँ पर न्योता भेजने के बाद भी ना तो वो वहाँ मौजूद रहे और उसके बाद भी साथ कार्य करने को लेकर कोई भी कमेंट करते हुए नजर नहीं है, जिसको अरविंद केजरीवाल ने भाप लिया और वहां पर उनकी चुटकी लेते हुए नजर आए। SPN9 न्यूज रूम से नाजमिन की रिपोर्ट।